हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रैबर खान और आज मैं आप लोगों को एक फ़ोटो रिटच करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइटरूम और फोटोशॉप से। तो मैं इसमें ज़्यादातर फेस का जो स्मूथ होता है वो पिक्सआर्ट से कैसे कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, तो वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि इसका ट्यूटोरियल बनाइए। तो आज इस वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल है कि किस तरीके से मैंने ये फ़ोटो को बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना लाइटरूम और इस पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी फ़ोटो। तो हमने पहले तो फ़ोटो इंपोर्ट करके रखी है, तो ये वाली फ़ोटो है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये फ़ोटो है और इसकी मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जाके सिंपली इंफॉर्मेशन में तो ये डिटेल्स आपको दिख पा रही हैं। जैसे ये 50mm लेंस से क्लिक हुई है, निकॉन के कैमरे से D3300, और इस ये क्लिक हुई है करीबन 6 बजे शाम को। तो ये देखिए, आपको इस टाइप की ये फ़ोटो हमको मिल गई है। तो चलिए इसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से टूल्स में चले जाएंगे, और टूल्स में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे लाइट्स पर, और लाइट्स में जाने के बाद हम इसे थोड़ा सा लाइटिंग की चेंज करेंगे, जैसे कि हम एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि ये एक्सपोजर हमें चाहिए इस फ़ोटो में। तो हम एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 0.60 कर देते हैं इसे। और इसके बाद हम जाएंगे कॉन्ट्रास्ट में, तो सिंपली कॉन्ट्रास्ट को हमको यहाँ कम नहीं करना है, यहाँ हमको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इसको मिनिमम मैं 20 कर दूंगा क्योंकि हमको थोड़ी सी फ़ोटो में शेडोज़ कॉन्ट्रास्टी लगना चाहिए फ़ोटो, इससे डेप्थ बहुत अच्छी दिखती है फ़ोटोज़ पर। इसके बाद हम हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो हाइलाइट्स हम इसमें कर देंगे -100। तो -100 करने से क्या होता है, हाइलाइट्स जितनी भी जो हमारा बैकग्राउंड है, जो भी मतलब लाइट्स होती हैं, वाइट्स होते हैं, वो सभी कम हो जाते हैं और डिटेल अच्छे से दिखती है। इसके बाद शेडोज़ को भी मैं करूँगा, शेडोज़ को मैं प्लस करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शेडोज़ हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे प्लस 70-75 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये 73 ठीक है, 74 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं वाइट्स पर, वाइट्स को हम करेंगे प्लस, यहाँ का जो वाइट्स है वो हाईलाइट से थोड़ा जो कम हो गया है उसे हम प्लस कर देते हैं। तो हम इसे प्लस 30 कर देते हैं, ये हो गया प्लस 30। इसके बाद ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ शेडोज़ बढ़ाई हैं, तो हम ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करेंगे, -20-22 इतना ठीक है। तो देखिए ये कितनी शार्प इमेज बन गई है। इसके बाद हम यहाँ से सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जो है कलर का। तो कलर में हमें इसमें ज़्यादा टेम्परेचर और टेंट से नहीं खेलना है हमें, तो सिंपली हम टेम्परेचर इसका कर देते हैं क्योंकि हमें अभी फेस को रखना है, अपना फेस का कलर हम टेम्परेचर से ही एडजस्ट करेंगे। तो टेम्परेचर को मैं +6 कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है, हमको मिनिमम करना है। तो ये छोटी छोटी सी जो चेंजेस होते हैं, यही बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लाती हैं अपनी फ़ोटोज़ पर। तो आप कोशिश करिए कि कम चीज़ें मतलब एडजस्ट करके अपनी फ़ोटोज़ को जितना नॉर्मल रख सकते हैं उतना रखिए, ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा सैचुरेशन अच्छी नहीं लगती है फ़ोटोज़ पर। तो हम इसे वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और हमें अभी मिक्सिंग करना है इस वजह से वाइब्रेंस मैं इसमें कर दूँगा 50 करीब वाइब्रेंस। तो हम यहाँ कर देते हैं इसे 47-50 जो भी करना है। तो मैंने 47 में सेट कर दिया, ये अच्छी लग रही इतनी वाइब्रेंस। तो इसके बाद हम जाएंगे सिंपली मिक्स पर, और मिक्स पर जाने के बाद सबसे पहले आता है यहाँ ये जो मिक्सिंग टूल है, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। कोई भी फ़ोटो को आप बहुत ही अमेजिंग CB एडिट्स और ये सब जो बैकग्राउंड होते हैं, ये सब मिक्सिंग से ही होते हैं। तो मिक्सिंग का बहुत बड़ा इसमें जो है रोल होता है। तो सबसे पहले हम रेड कलर को ले लेंगे, तो रेड कलर का हम ह्यू कर देंगे माइनस में हमारा थोड़ा फेस में डल हो रहा है, तो हम ह्यू इसका प्लस कर देते हैं।
प्लस 55 और 60 कर देते हैं। हाँ इतना ठीक है, सॉरी 53 हमने रख दिए हैं रेड। और इसके बाद हम ऑरेंज को देखेंगे। ऑरेंज का जो हमारा फेस है उसका कलर है ऑरेंज, तो ऑरेंज को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम इसको सिंपली कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ह्यू चेंज करूँगा मैं इसका, +10, और ये थोड़ा सा कलर हमारा फेस का मैच होना चाहिए क्योंकि हमको अभी इसमें स्मूथ करना है, तो अच्छा दिखना चाहिए कॉन्ट्रास्टी टाइप। तो हम थोड़ा सा ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 10 +10, और सेचुरेशन हम इसकी कम कर देंगे, -50 कर देते हैं, -50। तो ये हो गया हमारा -50 सेचुरेशन। और देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोटो में इतना कम सेचुरेशन क्यों करें, तो मैं वो से थोड़ा सा बाद में बताऊंगा ये कहाँ से एडजस्ट होगा। तो इसके बाद हम इसका ल्यूमिनेंस कर देते हैं माइनस, तो इसका हम ल्यूमिनेंस कर देते हैं +15, 18 हो गया, चलिए इतना ठीक है, +18 हमने कर दिया। हमारा फेस का जो है ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हम येलो में आते हैं, तो येलो का हम सेचुरेशन कम करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा सा कम, मतलब फिर भी तो ये 86-85 कर देते हैं, इतना ठीक है। और इसका हम कर देते हैं ह्यू पूरा कम। तो देखिए ये बैकग्राउंड में जो कलर था वो हो गया है पूरा सेचुरेशन कम, क्योंकि हमें थोड़ा सा कलर नहीं चाहिए इस पर। तो इसके बाद हम इसका ल्यूमिनेंस रहने देते हैं 0। इसके बाद आते हैं ग्रीन में, तो ग्रीन का ह्यू भी हम पूरा कम करके इसका सेचुरेशन ही पूरा कम कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में हमको चाहिए ब्लैक, मतलब ज़्यादा ग्रीन ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड अच्छा दिखना चाहिए। तो हमने इसको कर दी पूरा सेचुरेशन 0। इसके बाद स्काई ब्लू में आता है हमारा, इसका भी हम सेचुरेशन कर देंगे -100। और इसके बाद आता है ब्लू, ब्लू का कर देंगे हम ह्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। हमारी जो जैकेट का कलर है वो है ब्लू, तो इसका हम कर देंगे -10 रखते हैं, और सेचुरेशन भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, ज़्यादा दिख रहा है इसमें, तो -10 हमने इसका भी कर दिए। तो ये जो है काफ़ी परफेक्ट कंडीशन बन गई है बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड की। इसके बाद आता है ये कलर, इसका वॉयलेट है जहाँ तक ये, तो इसको भी हम कर देते हैं -100। इसका भी कोई काम नहीं है हमारे को, यहाँ कोई कलर ही नहीं है। इसके बाद पर्पल है, पर्पल है क्या क्या है ये समझ में नहीं आता, ये दो कलर में बहुत कंफ्यूज होता हूँ मैं, तो कमेंट करके बताना ये दो कलर के नाम क्या हैं। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, तो इसका ह्यू हम कर देते हैं पूरा इंक्रीज़, और सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस को भी हम कर देते हैं इंक्रीज। सेचुरेशन को रहने देते हैं, ल्यूमिनेंस को 70-80 कर देते हैं। तो ये हमारे फेस में है थोड़ा सा कलर ये वाला, इसलिए हमने इसको कर दिए हैं। तो इसे डन कर देते हैं सिंपली। आते हैं हम अब नेक्स्ट स्टेप पे, डिटेल्स पे। तो ये डिटेल्स पे आ गए हम, और यहाँ से क्लैरिटी इफेक्ट्स जो है ये डिटेल्स पे आ गए। यहाँ से हम इसका शार्प कर देंगे 50, हाफ कर देते हैं शार्प, ताकि ज़्यादा भी शार्प ना लगे। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमने 50 कर दिए हैं, इसके रेडियस को इतना ही रहने देते हैं, डिटेल्स 25 ही रहने देते हैं। मास्किंग का थोड़ा सा यूज़ करूँगा मैं यहाँ 25, और नॉइस रिडक्शन का भी थोड़ा सा यूज़ मैं यहाँ करूँगा, तो इसको भी 10 कर दिया मैंने। तो देखिए ये इस टाइप की हमारी फ़ोटो जो है बन गई। हम ये वाले टूल में जो क्लैरिटी और डिहेज है इसमें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं विनियट थोड़ा सा कम करूँगा -6, और इतना ही रहने दूँगा। इसके बाद हम इस पर एक सिलेक्टिव देंगे, और सिलेक्टिव के लिए हमारे पास है प्रो वर्ज़न, तो आप लोग भी मेरी वेबसाइट में जाके प्रो वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं। 3.6 वर्ज़न भी मिल जाएगा और 4.1 भी मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ सर्किल वाला सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसका फेदर ऊपर वाली जो आपको डॉट दिख रहा है, यहाँ से इसका फेदर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सॉरी मैं थोड़ा इधर लाके करता हूँ इसको। यहाँ से हम पूरा इसका फेदर कम कर देते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ग्लो मारेंगे। तो ग्लो का कलर हम रखेंगे इस पर, यहाँ से जाएंगे सिंपली कलर्स में, और यहाँ से जाएंगे टेम्परेचर इसका कम करेंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा ही फेदर कम हो गया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे
यहाँ जाएंगे और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कलर ये वाला चूज करूँगा हमारी जैकेट से जो मैच हो। तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा सैचुरेशन इसका बढ़ा के कम करके, सैचुरेशन कम करके सही लग रही है, टेम्परेचर और कम करेंगे इसको, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे ताकि ये अच्छे से दिखे बैकग्राउंड में पर। और ठीक है इतना, यहाँ से हम इसे डन कर देते हैं सिंपली। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये टोनिंग हो गई है। इसके बाद हम इसे सिंपली जाते हैं और पिक्सआर्ट में इसे ओपन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं फेस में जो बताने वाला था उसकी बात मैंने बताया नहीं। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ से एक प्रोफाइल का भी यूज़ करने वाले हैं। प्रोफाइल में हम यूज़ करेंगे आर्टिस्टिक और आर्टिस्टिक 3 का हम यूज़ यहाँ करने वाले हैं। तो आर्टिस्टिक 3 मैंने चूज़ कर लिया हूँ और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँगा, 50 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ फेस का कलर उठ गया है। यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ सिंपली, मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। कभी भी आप फोटो शेयर करते हैं तो सबसे पहले इसे सेव कर लीजिए, सेव टू डिवाइस हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी में। तो इसके बाद हम डायरेक्ट चल जाते हैं अपने पिक्सआर्ट पर। तो देखिए हम आ गए हैं अपनी पिक्सआर्ट पे और पिक्सआर्ट पे हमने इस फोटो को इंपोर्ट कर लिए हैं और ये जो है पोर्ट्रेट मोड में चलता है पिक्सआर्ट, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले इसकी ब्यूटी मोड पर और ब्यूटी मोड पर जाने के बाद स्किन टोन पर हम चूज़ करेंगे और यहाँ से हम अपनी स्किन को ब्राइट करेंगे। तो ब्राइट में कौन सा कलर सही रहेगा, इस वाले को, ये वाले को, इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत तो ज़्यादा लग रहा है ब्राइट। तो यहाँ से हम ये वाले को चूज़ करते हैं थर्ड नंबर का, इसका 50% रखते हैं और इसे डन कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे स्मूथ पे और सिंपली हम इसको 70% में स्मूथ कर देते हैं यहाँ से, इतना ठीक है। तो आप इसे मैन्युअली भी इरेज कर सकते हैं और जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, इस टाइप से ब्रश और इरेजर दोनों हैं। तो मैं सिंपली इसे इतना रखने वाला हूँ स्मूथ को, इतना ठीक है। और यहाँ से मैं इरेजर लूँगा और यहाँ से मैं इसकी आईज और इस टाइप का जहाँ जहाँ ये ज़्यादा हो गया है इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। देखिए ये इस टाइप से आप इसे स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से मैं, इसमें भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ओके डन। और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे सिंपली आई कलर पे। तो आई कलर यहाँ ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है क्योंकि हमारी जो आईज थी वो परफेक्ट फेस दिख रहा था। तो यहाँ से मैं और थोड़ी थोड़ी इसे एडजस्ट करूँगा, ये वाली ठीक है और ये वाली भी नहीं ठीक है, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। हमें ब्लू ही रखना है अपनी आईज, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आई पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा ये वाला कलर रखूँगा। इसके बाद हम जाते हैं सिंपली इरेजर पर और इसे यहाँ से जहाँ से हमें नहीं चाहिए वहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं, दोनों आँखों को इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये इरेज हो गई है यहाँ से, अब आप इसको देख सकते हैं ये आंखें हमारी बन गई हैं यहाँ फिट होके और ये काफ़ी अच्छी फ़ोटो जो है दिखने लगी है। इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं और यहाँ देखिए कितनी अच्छी ये जो है रीटच हो गई है। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें स्पॉट भी दिख रहे हैं तो यहाँ से हम जाएंगे सिंपली इसको फिक्स कर देंगे, यहाँ से इसको टाइप से आप फिक्स कर लीजिए। तो ये फ़ोटो मैंने इस टाइप से बनाई थी, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये इफ़ेक्ट आया है ये वाले टूल से। तो आप भी इसी तरीके की फ़ोटोज़ बना सकते हैं और भी अगर आपको मेरे फ़ोटोज़ ट्यूटोरियल्स देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके बिल्कुल देख सकते हैं और जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर कोई आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।